नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरडी। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरडी। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह। लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक। चुनाव जीतने पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकने का दिया गया टिप्स। मंत्री विधायक रहे मौजूद। जम्मू के बांधाटांड में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस को देखते ही भाग निकला संचालक। लगभग 6 क्विंटल जावा महुआ और अवैध शराब को भी किया गया नष्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मुफस्सिल थाना के बाहर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। 13 वाहनों का काटा गया चलान। चुनाव की घोषणा के साथ लागू है निषेधाज्ञा। पुलिस बरत रही चौकसी, जारी रहेगा अभियान। बिंगाबाद चौक और गांडे पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। हुआ भव्य स्वागत। पूर्व विधायक सालखंड सोरेन के परिवार से की मुलाकात। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो सकती है झामुमो से उम्मीदवार। और गिरिडीह में विद्यापीठ पाठशाला का हुआ उद्घाटन। 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दिया जाएगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा। बच्चों के बीच क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह संस्थान। उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर बुधवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन में जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सूबे के मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, टुंडी विधायक मथुरा मातो, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जेएमएम के इस महत्वपूर्ण आत्ममंथन बैठक में सदर विधायक सोनू ने अपने चिर परिचित अंदाज में गिरिडीह के एनडीए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस सांसद को दिल्ली, रामगढ़ और रांची से फुर्सत नहीं, 5 साल में जिसने गिरिडीह की तरफ सही से देखने का वक्त तक नहीं निकाला, अब वो उन्हें दूसरी बार भाजपा गठबंधन एनडीए से चुनाव लड़ा रही है। हालात साफ है। आजसू नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर गिरिडीह के भाजपा मतदाता भी घरों से निकलने में परहेज करेंगे। ऐसे में इसका पूरा फायदा जेएमएम के एक एक कार्यकर्ता को उठाना है और भाजपा मतदाता को ईडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के लिए समर्थन दिलाना है। अगर जेएमएम और ईडी गठबंधन के साथी इसमें सफल हो गए तो मथुरा महतो को गिरिडीह का सांसद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्य नेताओं ने भी यहां बारी बारी से अपने विचार रखे। बैठक में अजित कुमार, पप्पू, प्रमिला मेहरा, गीता हाजरा, सहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, टुन्ना सिंह, कुमार गौरव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हम लोग जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं वो इसी लोकसभा का है, इसी क्षेत्र का है, पड़ोस की विधानसभा का है, तो कभी ये परेशानी आपको नहीं आएगी। एमपी साहब से अगर काम है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी एमपी बनने के बाद भी क्षेत्र में रहेगा, आप लोगों के बीच में रहेगा। और दूसरी बात संक्षेप में करते हुए हम आज आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ता अगर सीना नहीं लड़ाएगा तो पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। कार्यकर्ता को सीना लड़ाना होगा और हम इस बात को जानते हैं मुक्ति मोर्चा के एक पुराने कार्यकर्ता की हैसियत से कि नेता की जीत हार के बहुत मायने नहीं होते हैं,
कार्यकर्ता की जीत हार के बहुत मायने होते हैं, इसलिए कि उसको अपने गांव घर में फिर का जवाब देना है। जमुआ के बांधाटाड़ा में बुधवार को पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं जावा महुआ और अवैध शराब को नष्ट किया। बताया गया कि जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार को गुप्त सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र चचघरा पंचायत अंतर्गत बांधाटाड़ा में महुआ शराब कारोबारी के द्वारा भारी मात्रा में देशी शराब बनाने को लेकर शराब भट्टी का संचालन हो रहा है। सूचना का सत्यापित करते हुए जमुआ ASI रोहित सिंह दलबल के साथ बांधाटाड़ा में लोकेशन के आधार पर छापेमारी की। पुलिस कर्मियों ने देखा कि देशी महुआ शराब बनाने को लेकर भट्टी जल रहा था। वहीं पुलिस कर्मियों को देखते ही संचालक भट्टी छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान जमुआ ASI रोहित सिंह ने भट्टी स्थान को पुलिस कर्मियों की मदद से ध्वस्त किया। वहीं लगभग 6 क्विंटल जावा महुआ और अवैध शराब को नष्ट किया। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि यह कार्य प्रतिदिन चलेगा। कहा कि इस क्षेत्र में अवैध कारोबार को चलने नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मुफस्सिल थाना के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 13 वाहनों का चालान 1-1 हजार का चालान काटा गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ निषेधाज्ञा लागू हो गई है। गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में मुफस्सिल थाना के बाहर गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई 2 वाहनों को रोककर वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और ओवरलोड को लेकर जांच करते पुलिस कर्मी दिखाई दिए। इस वाहन जांच अभियान में कुल 13 वाहनों में कमियां पाई गई, जिसको लेकर सभी 13 वाहनों का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन चालान बनाया गया और वाहन चालकों को सख्त हिदायत के साथ छोड़ा गया। बताया जाता है कि यह जांच अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन लगाया जा रहा है, ताकि चुनाव में किसी प्रकार का विघ्न न हो। बिंगाबाद चौक में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आगमन हुआ। यहां स्थानीय लोगों और जेएमएम नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर कल्पना सोरेन झामुमो से उम्मीदवार हो सकती है। उसी को लेकर विधानसभा के दौरे पर कल्पना सोरेन ने निकली हुई है, जहां जगह जगह पर भव्य और जोरदार स्वागत जनता के द्वारा किया जा रहा है। कल्पना सोरेन लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रही है। बेंगाबाद आगमन के दौरान कल्पना सोरेन कर्म जोरा मोड़ स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पूर्व विधायक सालखन सोरेन की समाधि पर भी इन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में उन्होंने दिव्यगंत विधायक सालखन सोरेन की पत्नी से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मौके पर बेंगाबाद चौक, घुटिया, चपुआडी, झलकडीहा, डाक बंगला में इनका भव्य स्वागत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बुधवार शाम को अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में गांडे पहुंची, जहां उनका जगह जगह उनके समर्थकों द्वारा गर्मजोशी के साथ पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद माथो, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई अन्य नामचीन नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस क्रम में कल्पना सोरेन गांडे प्रखंड के उत्तरी छोर फुलजोरी पंचायत से होकर प्रवेश किया, जहां फुलजोरी पंचायत के पहरीडी मोड़ में पंचायत मुखिया तहिरन खातून ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर मुख्य प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी व अन्य समर्थकों ने स्वागत किया। उसके बाद श्रीमती सोरेन मेदनी सारे पंचायत के खम्बाटाड़ गांव स्थित झामुमो के नेता रहे। स्वर्गीय गिरीश चंद्र किस्कू के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। उसके पश्चात वह गांडे के करीबांग पंचायत के कैरा डाबर गाँव पहुँची, जहाँ सैकड़ों समर्थकों के बीच सभा मंच से लोगों को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कही कि
ही कांडे की धरती मेरे ससुर जी और मेरे पति हेमंत सोरेन का कर्म भूमि रही है। इसलिए मैं सबसे पहले गांडे की जनता से आशीर्वाद लेने पहुंची हूं, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए पुरजोर समर्थन देने को लेकर एक स्वर में आवाज बुलंद किया। इस दौरान यह केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। कार्यक्रम को जिला सचिव महालाल सोरेन, हीरालाल मुर्मू झारखंड आंदोलनकारी जॉन मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, सनातन चौड़े सहित कई अन्य ने मंच को संबोधित किया। इस दौरान मौके पर प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, प्रखंड सचिव भैरव प्रसाद वर्मा, झारखंड आंदोलनकारी बैजनाथ राणा, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, ध्रुवदेव पंडित, मुखिया दशरथ किशकू, अरुण पाठक, हीरालाल मुर्मू, चीफ सदस्य हिंगा मुने मुर्मू, बबली मरांडी सहित झामुमो के कई पदाधिकारी, सदस्य व सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। विद्यापीठ पाठशाला का उद्घाटन बुधवार को ग्रीडी टाउन हॉल में मुख्य अतिथि उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया ने किया। बताया गया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना है। विद्यापीठ पाठशाला में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है, साथ ही नीट की भी तैयारी करवाई जाएगी। बताया गया कि बच्चे अब अपने माता पिता के साथ रहकर ग्रीडी में बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उन्हें अच्छी पढ़ाई के लिए अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ बाहर से आए मुख्य शिक्षक सलीम अहमद और हिमांशु ने विद्यापीठ पाठशाला की जानकारी दी और कैसे यहाँ बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया। यहाँ सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा बहुत कम खर्चे में दिया जाएगा। बताया गया कि आज अगर एडमिशन करवाया जाएगा तो उन्हें 25% की डिस्काउंट भी मिलेगी। मौके पर हरविंदर सिंह मोंगिया, अमरजीत सिंह मोंगिया, पारस कुमार सरावगी, संतोष सरावगी, तरनजीत सिंह सलूजा, शंभु सरावगी, प्रदीप सरावगी, राजेश कुमार जैन, महेश जैन, चरणजीत सिंह, सुमन, अनीता सिंह, संजय सिंह, जावेद, सपना कुमार, सोनी तिवारी आदि लोग मौजूद थे। हम लोग यहाँ PW, अब आप लोगों को पता है जैसे कि ग्रीडी में आ चुका है, ये हमारा बड़ा चौक के पास है, महिला थाना के बगल में। अभी ये यहाँ पर इस तरह की कोई भी एजुकेशन ग्रीडी में नहीं थी जो कि आपको नीट JEE की तैयारी करवाए, इवन आपको जो 8, 9, 10 की फाउंडेशन की भी जो पढ़ाई अच्छे से करवाए, जो नेशनल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, वैसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर ग्रीडी में नहीं थी। तो वो व्यवस्था अब पूरी तरह से ग्रीडी में आ चुकी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आई है, बहुत ही कम प्राइस में आई है, विद बहुत अच्छे फैकल्टी लोग के साथ। जो यहाँ के फैकल्टीज हैं बहुत ही मतलब आपको जो कि बहुत अच्छे सार फैकल्टीज़ हैं जिनका बहुत नाम है, वो फैकल्टीज हमने GD के बच्चों को पढ़ाई है। और हमारा मेन एम यही है कि GD के जितने बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े और उन लोग का रिजल्ट हम लोग दिखाएं, जो कि नीट में बच्चे निकाले, JEE निकाले, वो सब हम लोग यहाँ पर बच्चों को। आज सेमिनार का आयोजन किया गया, कितने बच्चे शामिल हुए? आज सेमिनार में करीब आपको 500+ बच्चे शामिल हुए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर आज बहुत ही फेमस फैकल्टी जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस फैकल्टीज है, सलीम सर और हिमांशु सर आज हमारे ग्रीडी में आए यहाँ पर टाउन हॉल में। आज के इवेंट का जो मेन मकसद है, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको डायरेक्ट हम लोग 25% का डिस्काउंट स्पेशल दे रहे हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे भी हमारा फीस जो है बहुत ही कम है, नॉमिनल है, करीब करीब 2 साल का जो फीस होता है मैक्सिमम डिस्काउंट देने के बाद भी 75-80 हज़ार में हो जाता है। और अगर जो दूसरे सेंटर्स हैं उनके मुकाबले में हमारा जो सेंटर है बहुत ही अच्छा है, जो रिनाउंड सेंटर है, और फीस में भी हमारा बहुत कम है कि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग से लेकर छोटे वर्ग के सब तरह के लोगों का यहाँ पर एडमिशन हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बोला हुआ। जमुआ के मिर्जागंज में लगभग उत्पाद विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा मामले में CO संजय पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जमीन पर बने उत्पाद विभाग की भव्य बिल्डिंग को JCB से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है, वहीं बाउंड्री से घेराबंदी भी कर दिया गया है। इतना होने के बाद यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। इसके बाद अब इस मामले पर ग्रीडी उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा हरकत में आए
और जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करने को लेकर स्थल पर अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा। इस मामले में सीओ ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने जो डीसी साहब आदेश दिया था उनके सर के निर्देश के अनुपालन में हम लोग स्थल पर पहुंचे। हम लोगों ने कुछ राजस्व कागजात भी वादी प्रतिवादी से मांगा है, उत्पाद विभाग से भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी हम लोग मांगे हैं। और अभी जो यहाँ हम लोग जो चीज़ों को जांच किए, ये जांच का विषय है, तो अभी जांच के विषय के बारे में या क्या रिपोर्ट बनेगी तो हम डीसी सर को ही दे पाएंगे। प्राइमरली देखा गया था सर कि जो यहाँ के जमीन को इंक्रोचमेंट करें उनके द्वारा बताया गया था कि पूर्ववर्ती में जो एक्साइज डिपार्टमेंट की ज़मीन है कोई कंपनी को लीज में दिया गया था, तो जब लीज में दिया गया था उसका बेसिक प्रक्रिया होता है सर, लीज पेपर बनता है, एनओसी बनता है, तो क्या इस प्रकार की कोई कागजात डिमांड की गई? कागजात हम लोग जो यहाँ जो लोग हैं जिन लोगों के द्वारा अभी राकेश कुमार दराद एवं अन्य के द्वारा ये पता चला है कि इस पर एक ओरिजिनल सूट है, तो हम लोग इसको मांगे हैं कागज। यदि किसी प्रकार का कोई कागज ना हो या किस प्रकार का कागजात संलग्न करते हैं या हम लोग को प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों ने मांगा है, तो अभी हमारे पास समय है, उन लोगों ने जो देंगे तो हम अपना प्रतिवेदन बना करके जिलाधिकारी उपायुक्त महोदय को। चंबा थाना के सभागार में बुधवार को होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक का नेतृत्व इंस्पेक्टर मंटू कुमार और चंबा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने किया। मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बेहतर माहौल में होली का त्यौहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कई तरह के प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए गए। आज पचम्बा थाना में हम लोग पचम्बा थाना के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति का एक बैठक होली पर्व को लेकर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने विशेष रूप से होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों और क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनसे किए हैं, अनुरोध किए हैं कि भाई आप होली अच्छी तरह से मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, सांप्रदायिक सद्भाव का ये करते हुए मनाइए। और हम लोग अपील किए हैं कि हम लोग होली में प्रशासन आपको पूरी तरह सहयोग करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्व पार्टी के केंद्रीय सचिव तिवारी महतो ने एनडीए के समर्थन में बदडीहा में बुधवार को अभियान चलाया। अभियान के दौरान ये राजस्व नेता संजय साहू से मिले और चुनाव पर चर्चा की। साथ ही ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बताया गया कि भाजपा राजस्व गठबंधन से गिरिडीह को चंद्र प्रकाश चौधरी के रूप में सांसद मिला, इसके लिए कई विकास की योजनाएं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए लाई गई। तिवारी महतो ने बताया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने यहां के जन समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र सरकार ने सभी समस्याओं को समाप्त करने का काम किया। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकाल में हुए विकास का जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ और आज विदेश में भारत का डंका बज रहा है। राम मंदिर समेत कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मौके पर राजस्व नेता संजय साहू, दिनेश राणा, वीरेंद्र राम, उदय विश्वकर्मा सहित कई राजस्व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग एनडीए के पक्ष के लेके गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अनेकों जगह पे जाने के बाद, दौरा करने के बाद आज मौका मिला आप लोग से बात करने का। तो हम लोग एनडीए प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने के लिए आंसू बीजेपी के लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए हम लोग बीजेपी आंसू के लोग दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। और हमारे स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो विकास हुआ है क्षेत्र में, उसको हम लोग लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो किए हैं, चाहे राम मंदिर बनाना हो, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हो, या महाकाल, या विभिन्न जगह पे जितना NH हो, GT रोड हो, अनेकों जगह काम करने का काम किए हैं। और
पूरे जब से मोदी जी 10 साल रहे हैं पूरे शांति से देश को चलाने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, और एनडीए के पक्ष में हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार का कमान हम लोग संभाले हुए हैं, और तमाम हम खास करके बड़े भाई बीजेपी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, कमर कस लीजिए, एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने का काम कीजिए, और अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी दिए हैं उसको पार कीजिए। भाकपा माले ने बुधवार को लखियो टाड़ तथा मदनपुर में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से भाकपा माले के पक्ष में खड़ा होने की अपील की गई और उनसे प्रति घर 20 रुपए चुनावी संघर्ष कोष के लिए इकट्ठा किया गया। अभियान की अगुवाई जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा मनोज यादव ने करते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया है। चुनाव आते ही सभी बरसाती मेंढक की तरह आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि सालों भर माले जनता के लिए संघर्ष करती है। वहीं अभियान के दौरान मौजूद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश परेशान हो चुका है, लोग इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। देश भर में भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा गूंज रहा है। कोडरमा में माले ही भाजपा को हरा सकती है। श्री यादव ने कहा भाजपा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे से और भाकपा माले आम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रही है। कोडरमा में जीत भाकपा माले की ही होगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से प्रति घर 20 रुपए सहयोग देकर भाकपा माले को जिताने की अपील की। मौके पर रेवा दास, विनोद कोल, पंकज वर्मा, कन्हैया सिंह, अरुण यादव, भरत यादव, राजेश कुमार, सोनू तुरी, जितन दास, बैजनाथ कोल, मोती कोल, सुखदेव कोल, बिहारी कोल, गांगो कोल, शंकर कोल, संजय कोल, रीना देवी, वीना देवी, जुलमनी देवी, किशन कोल, बबलू कोल, प्रिया कोल, गिरजा देवी, शांति देवी, अनीता देवी, द्रौपदी देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। चुनाव अभियान के तहत में भाकपा माले की एक बैठक अभी यहां सदर प्रखंड के बदगुंडा खुर्द पंचायत के लखियोटाड़ में संपन्न हुई है। यहां के महिला पुरुषों ने बड़ी तादाद में बैठक में भाग लिया है, और न सिर्फ चुनाव बल्कि यहां के सवालों पर भी बात हुई है। और भाकपा माले की तरफ से यह आश्वासन है कि हम जनता की लड़ाई जिस तरह से लड़ते हैं, जनता के सवालों पर जिस तरह से संघर्ष करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में इसी को मुद्दा बना करके हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जिस सरकार ने बेलगाम महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने बेरोजगारी का दंश देने का काम किया, जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसी सरकार को किसी भी सूरत पर दोबारा आने देना नहीं चाहिए। इसलिए लोगों ने कहा कि बहुत ही महंगाई की मार, दूर हटो मोदी सरकार। इस नारे के साथ हम तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं, और इसमें एक विशेष बात है कि भाकपा माले की का ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो चुनावी संघर्ष है, इसमें घर घर से लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ लखियोटाड़ में भी लोगों ने एक मत होकर के सभी घरों से 20-20 रुपया सहयोग देकर के इस चुनाव में ये लोग भागीदारी निभाने का संकल्प किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी लड़ाई सफल होगी और निश्चित रूप से यहाँ भाकपा माले की जीत होगी, और यहाँ का जो जनता का सवाल है वो लोकसभा में गूंजेगा, और भी यहाँ जो जनता के हक अधिकार की लड़ाई है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हम तमाम साथी जो इस अभियान में शामिल हुए हैं, शिरकत किए हैं, हम सभी लोगों को अपनी तरफ से पार्टी की ओर से हम उनको धन्यवाद देते हैं। सीहोडी निवासी से प्रसाद यादव की पत्नी प्रतिमा देवी की जमीन को कुछ लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को अंचल से सरकारी अमीन जमीन पर नापी करने पहुंचे, लेकिन उक्त जमीन की नापी के लिए शिव प्रसाद यादव इच्छुक नहीं थे। मौके पर मुफस्सिल पुलिस भी मौजूद रही। बताया गया कि जमीन मामले को लेकर कई बार मुफस्सिल थाना में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिव प्रसाद यादव ने बताया कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोग खाता नंबर 80 प्लॉट नंबर 614 और दूसरे प्लॉट की 11 डिसमिल
जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। बताया गया कि दिसंबर माह में जेसीबी के माध्यम से रात्रि में कई कंपाउंड को तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। जेसीबी से दीवार को भी गिरा दिया। मना करने पर इन लोगों को झूठा मुकदमा में भी फंसाने की धमकी दिया गया। श्री प्रसाद यादव ने बताया कि कई बार हम लोगों को अंचल कार्यालय से मापी करवाने से संबंधित नोटिस दिलाया जाता है। कहा कि पैसे के लिए इस तरह परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर हम लोगों का भय बना रहता है। इन्होंने पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। सिहोली में शिव मंदिर के पास मेरा मकान है, चार दीवारी है, पीछे पक्का मकान है और आगे एडवेस्टर्स का मकान है। और कुछ भूमि माफिया लोग वहाँ सिहोली में उत्पात मचाए हुए हैं और जिसमें अशोक राम है, केदार राम है और अन्य है और कई 20 दिसंबर को रात्रि में मेरा दीवार तोड़ दिया गया, जिसका आवेदन हम उच्चाधिकारी को दिए थे, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। और बीच बीच में हम लोग को अंचल से नापी का नोटिस दिलाते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं कि बना हुआ घर पर नोटिस दिलाते हैं, जिसे हमारा परिवार बच्चा पूछता क्यों आता है पापा यहाँ पर, जिससे हम लोग बहुत अंदर से दुखित हैं। और ये सब जो है पैसे के लिए केवल मतलब तंग तबाह कर रहा है। आप लोग इसके शिकायत थाने में दिए हैं? थाने में दिए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए, इन माफियाओं पर, कहे कि ये हमारे साथ है घटना नहीं और घटना सिंहडी में इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव जीतने पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकने का दिया गया टिप्स, मंत्री विधायक रहे मौजूद। जमुआ के बांधा टांड में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस को देखते ही भाग निकला संचालक, लगभग 6 क्विंटल जावा महुआ और अवैध शराब को भी किया गया नष्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मुफस्सिल थाना के बाहर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान, 13 वाहनों का काटा गया चलान। चुनाव की घोषणा के साथ लागू है निषेधाज्ञा, पुलिस बरत रही चौकसी, जारी रहेगा अभियान। बिंगाबाद चौक और गांडे पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, हुआ भव्य स्वागत। पूर्व विधायक सालखंड सोरेन के परिवार से की मुलाकात। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो सकती है झामुमो से उम्मीदवार। और गिरिडीह में विद्यापीठ पाठशाला का हुआ उद्घाटन, 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दिया जाएगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा। बच्चों के बीच क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह संस्थान। उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।